नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही प्यारा सा घर बना हुआ है, बट इस घर की जो सीलिंग है यानी कि जो छत है उसकी निचली परत आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से टूट के गिर पड़ी है। आप नीचे भी देख सकते हैं कि स्लैब पूरी तरह से टूट के फ्लोर यानी कि फर्श पर बिखर चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ इस तरीके से स्लैब की ढलाई करते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी स्लैब यानी कि छत कुछ इस तरीके से टूट के ना गिरे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही प्यारा सा रूम बना हुआ है। इस रूम की दीवारें और दीवारों पर लगी हुई एसी और इसके साथ साथ दीवारों पर लगा हुआ पेंट और डोर यानी कि दरवाजे को देखकर लग रहा है कि इस घर को बनाने में बहुत ही अच्छा पैसा खर्च किया गया था। बट इसी रूम में जब आप थोड़ा सा ऊपर नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्लैब की जो निचली परत होती है वो पूरी तरह से टूटकर गिर पड़ी है, और स्लैब गिरने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब में जितनी भी सरिया लगी थी वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। आप प्रत्येक सरिये को बहुत ही अच्छे से एक एक करके गिन भी सकते हैं। तो स्लैब की ढलाई करते समय लापरवाही की वजह से या फिर बहुत ज्यादा पैसा बचाने के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो जानबूझकर कर दी जाती हैं जिसके कारण ये समस्या आती है। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि वे गलतियां क्या है। तो स्लैब की ढलाई करने से पहले आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से शटरिंग लगाई जाती है, और शटरिंग लगाने के बाद इसी शटरिंग के ऊपर कुछ इस तरीके से स्टील जाल बनाया जाता है, और कुछ इस तरीके से स्टील लगाने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कवर ब्लॉक। यदि हम कवर ब्लॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये कवर ब्लॉक होता है, और कवर ब्लॉक स्लैब स्टील के नीचे कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए कि स्लैब स्टील यानी कि छत के सरिया के नीचे कुछ इस तरीके का कवर ब्लॉक लगाया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कवर ब्लॉक लगाने से क्या होता है। देखिए, जब आप कवर ब्लॉक लगाते हो तो स्लैब की जो स्टील है वो कंक्रीट के बीच में चली जाती है जिसके कारण सरिया पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। और यदि आप स्लैब की ढलाई करते समय स्टील में सही से कवर ब्लॉक नहीं लगाते हो तो स्लैब स्टील यानी कि छत की जो सरिया है वो बिल्कुल तली से चिपक जाती है, और चिपकने के बाद स्लैब के नीचे से बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगती है। और यदि स्लैब में किसी भी कारण से सीलन आती है तो स्टील में जंग लग जाता है, और जंग लगने के बाद कुछ इस तरीके से स्लैब यानी कि छत थोड़ी थोड़ी टूट टूट कर गिरने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि बहुत बड़ी मात्रा में स्लैब टूट कर गिर जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम का जो सबसे पहला मिस्टेक है वो यही है कि आपने सही से कवर ब्लॉक नहीं लगाया। तो स्लैब की ढलाई करने से पहले स्टील के नीचे कुछ इस तरीके से आप कवर ब्लॉक जरूर से जरूर लगाइए। यदि आप सही से कवर ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो आपके साथ भी यह दिक्कत आ सकती है। और इस तरीके के प्रॉब्लम के लिए यदि हम सेकेंड रीजन की बात करें तो पुअर मटेरियल, यानी कि स्लैब की ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से जो कंक्रीट बनाई जाती है, इस कंक्रीट को बनाने के लिए यदि सीमेंट बालू गिट्टी के अनुपात को सही से नहीं रखा गया तो कंक्रीट आपकी कमजोर बनेगी, और कंक्रीट कमजोर बनने से कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो स्लैब की ढलाई करते समय आप M20 ग्रेड यानी कि 1:1.5:3 रेशियो का कंक्रीट या फिर 1:3 रेशियो का भी कंक्रीट आप यूज कर सकते हैं। तो स्लैब की ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक और कंक्रीट रेशियो का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी भी स्लैब कुछ इस तरीके से गिर सकती है। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यह प्रॉब्लम क्यों आई और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।